नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SGSI डिक्टेशन क्लब में। श्री गौतम स्टालो इंस्टीट्यूट की तरफ से आज हम आपको ITI 2019-20 सेशन के एग्जाम की फाइनल डेट बताने आए हैं। ये जो सर्कुलर है आज दोपहर में जारी किया गया और इस सर्कुलर को, इस PDF को डिटेल में आपके सामने मैं पॉइंट बाई पॉइंट रखता हूँ। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। सभी को इंतजार था ITI की 2019-20 की परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी और ऑनलाइन होंगी या नहीं होंगी। तो भाई मैं बता देता हूँ, इस वर्ष की जो आपकी बैक वाले जो एग्जाम्स हैं, जिनका बैक लगा था, जिनकी ATKT आई हुई थी, उनके 25 तारीख से एग्जाम्स हैं उनके सेल्फ सेंटर में, जिस ITI से उनका एडमिशन था, जिस भी कॉलेज से, तो 25 तारीख से उनका एग्जाम है। और जो बच्चे इस वर्ष नए सेशन 2019 और 20 वाले हैं, उनके एग्जाम 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होंगे। 7 दिन आपकी परीक्षा चलने वाली है। फटाफट से सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और जो भी आपको लेक्चर से संबंधित डाउट हो, स्टेनो से संबंधित कोई क्वेरी हो, तो आप लेक्चर पर कमेंट कर सकते हैं और इसी लेक्चर पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन और डाउट क्लियर करेंगे। रेगुलर क्लास भी ज्वाइन करें, शाम को 8:30 बजे रोज डिक्टेशन की क्लास रहती है। दीपक प्रकाशन, मेवाड़ कनेक्शन, अगम ज्योति पत्रिका और भी कई सारे नए नए अपडेट्स। फिलहाल सबसे पहले हमारे आदरणीय स्वर्गीय गुरु श्री सतीश गौतम सर को चरण स्पर्श करके आगे बढ़ते हैं। आज आपको एक लेटर सभी बच्चों के पास लगभग पहुंच गया है, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड भोपाल यानी कि MPSSDEGB द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है, समस्त संयुक्त संचालक कौशल विकास क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश। विषय देखिएगा आपके सामने जो स्क्रीन पर, डेस्कटॉप पर जो लैपटॉप, जो आपको लेटर दिखाई दे रहा है उसका विषय देखेंगे। मध्य प्रदेश में NCVT के अंतर्गत सत्र अगस्त 2019 में व्यवसाय आशुलिपि हिंदी अंग्रेजी डेस्क सचिवालय पद्धति वार्षिक पद्धति में प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कराने के संबंध में। तो भाई देखिएगा, यहाँ से आपको क्लियर होता है कि आपके परीक्षाएं इस वर्ष ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन जैसा कि सॉफ्टवेयर आपको रन करवाया जा रहा था, हमने एक वीडियो बनाई है, हमारी प्लेलिस्ट में डली हुई है। ऑनलाइन में आपको कैसा लेक्चर मिलेगा, कैसी स्क्रीन मिलेगी, कहाँ कहाँ स्पेस मिलेगा, कितना आपको मार्जिन देना होगा, कितना लेटर, कितना मैटर, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट भी विजिट करें और भी काफी सारे लेक्चर्स को ज्वाइन करें। तो अभी इस वर्ष की जो परीक्षा है 2019-20 की, वो आपकी ऑनलाइन होना है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। 7 दिन आपकी परीक्षा चलेगी और एक ही दिन में आपके सारे एग्जाम क्लियर होंगे। और ऑनलाइन सेंटर्स हैं तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम बहुत बढ़िया एग्जाम होता है। चलिए इसके बाद देखिए संदर्भ, देखिए संदर्भ हमारे मतलब का नहीं है, इसमें दिनांक दी हुई है। आगे देखते हैं जो डिटेल में दिया हुआ है, इसको मैं पढ़कर के सुनाता हूँ। संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। सत्र अगस्त 2019 में शासकीय एवं निजी ITI यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI में NCVT नेशनल कॉन्वेंट वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रवेशित व्यवसाय आशुलिपि हिंदी अंग्रेजी सचिवालय पद्धति, यानी कि आप अगर हिंदी से हो, अंग्रेजी से हो या सचिवालय पद्धति से हो, प्रशिक्षणार्थियों यानी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न कराई जाएगी। तो भाई यहाँ क्लियर होता है कि आपकी परीक्षा इस वर्ष ऑनलाइन होगी। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, परीक्षा की घड़ी निकट है, 1 तारीख से आपके एग्जाम है। तो भाई जोर शोर से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए, रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करें, लेक्चर्स को अटेंड करें और डिक्टेशंस को बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास करें। और कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहां से ज्वाइन करें। DGT नई दिल्ली द्वारा प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 23/11/2020 से 2/12/2020 के मध्य आयोजित कराने हेतु समय सारणी जारी की गई थी। यानी कि देखिएगा जो प्रथम जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो एग्जाम होता है और जो बैक के एग्जाम है, वो 23/11 से 2/12 यानी कि 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक के मध्य में आयोजित कराने के लिए पहले
सारणी आ चुकी, यानी टाइम टेबल आ चुका था। इसके बाद देखिएगा व्यवसाय आशुलिपि हिंदी अंग्रेजी सचिवालय पद्धति में प्रशिक्षण 2019 प्रवेश, यानी जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था उनकी परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कराने के लिए ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नानुसार है। अब पहला बिंदु देखिएगा, प्रायोगिक ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 1/12/2020 से 7/12/2020 के मध्य आयोजित कराई जाएगी। अब यहाँ स्पष्ट होता है कि 1 तारीख से पेपर आपके स्पष्ट चालू हो जाएंगे और 7 तारीख तक आपके चलेंगे, यानी कि 7 दिन आपकी परीक्षा चलेगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अलग अलग डे आपको मिल जाएंगे, उसी दिन आपको पेपर देने जाना है और अपना पेपर सबमिट करके अच्छे से करके आना है। समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी, फिर से जारी की और समय सारणी मिल जाएगी आपको। बाकी देखिएगा प्रशिक्षणार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा के लिए 2 पेपर हल करने होंगे जो कि निम्नानुसार हैं, वही आप सबको मालूम है। पहला आपका पेपर होगा जिसमें आपके तीनों जॉब आएंगे, इसमें आपका कंप्यूटर का टाइपिंग का मैटर होगा, लेटर होगा और पत्र होगा, और सॉरी टेबल होगी जो एमएस एक्सेल में आपको टाइप करना है। इसका अगर आप फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, वहां पर हमने पूरा फॉर्मेट ऑनलाइन मॉक टेस्ट का डाला हुआ है, ठीक है। और इस लेक्चर की लिंक भी, इस लेक्चर में भी हम लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिससे कि आपको वो मिल जाएगी। इसके बाद देखिएगा द्वितीय पेपर आपका डिक्टेशन परीक्षा है, 80 शब्द प्रति मिनट, कुल समय आपका 120 मिनट दिया जाएगा। और डिक्टेशन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट, इसमें कुल समय आपको 120 मिनट दिया जाएगा। अब ये 120 मिनट शब्द आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि डिक्टेशन आपको 60 मिनट में लिखकर टाइप करना है। तो यहाँ देखिए आपको दो दो डेमो टेस्ट भी मिलेंगे और आपको कंप्यूटर चेक करने के लिए भी वक्त मिलेगा, कंप्यूटर सॉरी कीबोर्ड चेक करने के लिए। और हाँ, इस बार एक खास बात है, आप अपना कीबोर्ड लगा सकते हैं अगर आप चाहें। आपको सेंटर का कीबोर्ड पसंद नहीं आता है तो आप अपना कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, जैसा हमें अनुमानित पता है इन सोर्सों के माध्यम से। बाकी करिएगा, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पेपर के लिए शुल्क 250 रुपए जमा किया जाएगा, राशि 100 रुपए परीक्षा शुल्क के जमा किए जाएंगे और शेष 400 परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। तो भैया आप अपनी 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 आईटीआई में अपने अपने कॉलेज में जाकर जानकारी प्राप्त करें कितना वो या कॉलेज में सबमिट कराते हैं, या आपको सेल्फ से करना है तो ये अपने आपको अपनी कॉलेज से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल दिनांक 23/11/2020 से 27/11 के बीच में खुल जाएगा, यानी कि 23 से 27 तक आप अपने परीक्षा फीस भर सकते हैं। और इसके बाद देखिए सेकंड, कंप्यूटर टाइपिंग हेतु कार्य हेतु केवल मंगल फॉन्ट ही उपलब्ध होगा, यानी कि केवल आप मंगल फॉन्ट में करेंगे, कुर्ती देव आपको नहीं मिलने वाला। अभ्यर्थियों को मॉक टेस्ट लिंक सीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो देखिएगा ये दिया हुआ है। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं या आपका टेस्ट कैसे होगा, तो ये नीचे जो साइट दी हुई है mpiti.cbtexam.in, इस पर आप क्लिक करें, हम एक लेक्चर और बना देंगे इस साइट से, तो आप यहां पर जाकर के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद देखिएगा प्रशिक्षण आर्थियों को प्रायोगिक ऑनलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची पृथक से जारी की जाएगी, यानी फिर से आपको जो भी रहेगा प्रायोगिक परीक्षाएं जैसी भी आपकी होना है, किसको कब भेजना है, तो ये आपका कॉलेज जो है डिसाइड करेगा आपके जिले के स्तर पर। इसके बाद देखिएगा लास्ट है कीबोर्ड प्रशिक्षण हेतु स्वयं का कीबोर्ड यूएसबी पोर्ट यदि लाना चाहें तो ला सकते हैं। देखिए ये छठवां बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट है अगर आप कीबोर्ड ले जाना चाहते हैं तो अपना कीबोर्ड स्पष्ट ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए संयुक्त संचालक केंद्रों पर स्टेनो की कॉपियां आपको वहीं से मिल जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको पेंसिल लेकर के जाना है, अपना हॉल टिकट लेके जाना है, कीबोर्ड अगर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। परीक्षा उपरांत शासकीय आईटीआई के नियुक्त ऑब्जर्वर समस्त कॉपियां एक्साई करके संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। इसके बाद देखिएगा लास्ट का और पढ़ देता हूं, बाकी आप लोगों को एक ही चीज है कि अगर आप लोग वाकई में एग्जाम अच्छे से देना चाहते हैं तो इन सारे बिंदुओं को भी ध्यान में रखें कि जो आपकी तैयारी है उसको आप पूर्णतः 7 दिन में लगातार दीजिए, क्योंकि अब 7 दिन ही बचे हैं, 7 से 8 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, बाकी 1 तारीख से आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखिएगा व्यवसाय आशुलिपि हिंदी अंग्रेजी सचिवालय पद्धति के प्रशिक्षणार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन संचालित केंद्रों पर व्यवस्था, इन्विजिलेटर की नियुक्ति के साथ साथ कोविड-19 के परिपालन में जारी एसओपी का पालन करना आदि समस्त जवाबदारी हेतु संयुक्त संचालकों की होगी, यानी कि जहां पर भी आपका सेंटर है भाई, इस बार देखिएगा कोविड-19 का प्रकोप बहुत है तो आप सब लोग मास्क लगा करके जाएं, खांसी जुकाम से अपना ख्याल रखें। बाकी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, काफी दिनों से आपने तैयारी करके रखी है और बहुत अच्छी बात है कि परीक्षा की डेट आ गई। बहुत सारे बच्चे इस समय फ्रस्ट्रेट हो रहे थे परीक्षा को लेकर के, तो ये देखिए मैंने आपके सामने लेटर पढ़ के सुनाया,
अब इसमें केवल एक ही बात है, ये देखिए 20/11/2020 का ये लेटर है, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो भी आपके सामने जानकारी आना चाहती थी वो अब जानकारी आपके सामने है। सभी बच्चे तैयार रहे, 1 तारीख से आपके पेपर हैं, आप अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं, 1 से 7 दिन तक आपकी परीक्षा चलेगी, अब कोई सा भी दिन आपको मिल सकता है। कोई भी डाउट अगर आपको है तो हमारे इस लेक्चर पर आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि लोग बात जितने भी बच्चे इस समय स्टैनों का एग्जाम देना चाहते हैं वो इस पीडीएफ को अच्छे से विजिट कर सकें। और रेगुलर क्लास के लिए 8:30 बजे ज्वाइन करें हमें यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में हमारे मॉक टेस्ट को भी प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अभी के लेक्चर में इतना ही, सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अभी भी 7 दिन हैं, 7 दिन तक हम और क्लास लगाएंगे, इंपोर्टेंट क्लास लगाएंगे, जितने भी डाउट्स हैं आप तुरंत कमेंट करें, हम उनका आंसर फटाफट से शो करेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।